नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ ए मास। क्वेश्चन अभी, व्हाट इज मास भी? मास किसको बोलते हैं? मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए मास। एक बॉडी में क्या कुछ भरा पड़ा हो, क्या उसका मास भी हो जाएगा भी। यूनिट क्या होती है मास की? यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम भी। याद रखिए, मास इज नेवर बी जीरो और नेगेटिव भी। मास कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव भी। हो जाएगा भी। क्वेश्चन ये है कि मास को मापे कैसे भी? मास मापा जाता है, डिवाइस है फिजिकल बैलेंस से भी। किससे मापा जाता है? फिजिकल बैलेंस। लिख सकते हो मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? तराजू को बोलते हैं, देखा होगा ज्वेलरी शॉप पे देखा होगा। मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। एक होता है मास का ही टाइप होता है भी, एक होता है एब्सोल्यूट मास भी, एक होता है ग्रेविटेशनल मास भी। क्या होता है? एब्सोल्यूट मास और ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास मापा जाता है इनर्शियल बैलेंस से भी, उसको बोलते हैं इनर्शियल मास भी। कर लोगे नेक्स्ट अभी। मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है अभी? टाइम की दी गई डेफिनेशन दी थी अभी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड। एक घड़ी क्या बताएगी? वही टाइम। अभी टाइम इज ए व्हाट ए क्लॉक रीड। सिंपल डेफिनेशन टाइम की भी कर लोगे। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम की यूनिट क्या होती हैं? सेकेंड भी। टाइम अब आता है सेकेंड के अंदर, ऐसा यूनिट क्या होती हैं? सेकेंड। ओके, अब घड़ियाँ बहुत तरह की बनाई गई भी हमारे पास है। ऑब्जर्व किया गया पहली घड़ी कौन सी थी? क्लॉक, सोलर क्लॉक बोला गया, सोलर क्लॉक, जो सन की पोजीशन देख के भी। ओके, शैडो देख के हमारे इमेजेस ऑब्जेक्ट्स की टाइम को कैलकुलेट किया गया। अभी नाम क्या उसका? सन क्लॉक। बाद में कई तरह की आई, एटॉमिक क्लॉक आई, क्वार्ट्ज क्लॉक आई, डिजिटल क्लॉक आई। यस सर नो। डायमेंशंस क्या होते हैं? मैंने बोला था जितने भी एसआई यूनिट हैं सभी के डायमेंशंस होते हैं भी। एक तरीका किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म ऑफ पावर भी। इन टर्म ऑफ पावर जितने भी एसआई यूनिट थी हमारी, सातों की सातों फंडामेंटल, और सभी के डायमेंशंस थे हमारे पास भी। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किस टर्म में भैया? किसी की पावर के अंदर भी। ठीक है, तो मैं कुछ एक नाम लिखवाता हूं आपको कि मास की क्या होती है? मास का डायमेंशंस क्या होता है? एम भी। लेंथ का? लेंथ कोई भी हो जाए एल। और टाइम का? इस तरह से सातों की होते हैं भी, पता ना इस बात का भी। तो जब भी डायमेंशन लिखे जाते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं भी, उसके ऊपर होती है पावर भी। नहीं तो कई बार सिंपल लिख देते हैं M1, M2, M3, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कुछ एक निकाल के देखते हैं हम लोग। जैसे एरिया है भी, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ भी। यस और नो? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है अभी, तो कितना हो गया? L2 हो गया अभी। कैसे मास है अभी? जो नहीं है उसको जीरो लिखिएगा। टाइम है? जीरो भी। M0, L2, टीम जीरो भी। यस और नो? वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम का फार्मूला जो, अगर आपको फार्मूले पता हैं तो आप इजीली निकाल पाओगे अभी। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही लेंथ हैं, तो कितना हुआ? L3। मास नहीं है, M0 टाइम नहीं है, T0 भी। तो M0, L3, T0 भी हो जाएगा। स्पीड का क्या होगा भाई? स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम भी। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है भी, L1 हो गया, टाइम T1 भी। किस में M है भी? M0, L1, T-1 भी, सही है। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता है v-u/t। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया गया, आंसर किसका आना है? वेलोसिटी का ही आना है। वेलोसिटी क्या होगा? डायमेंशंस भी। हेरा m0 l1 t-1 बाई टाइम का कितना होगा? t1 भाई। ओके, कितना होगा भाई? m0 L1 T-2 भी। पांचवा पॉइंट आ गया, फोर्स कर चाहिए तो
फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन भी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होगा अभी एम वन, एक्सेलरेशन का कितना है एल वन टी माइनस टू भी, एम वन एल वन टी माइनस टू। प्रेशर का कितना होगा, प्रेशर होता है फोर्स बट एरिया, फोर्स का क्या है एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया कितना होगा एल टू भी, कितना आंसर हुआ एम वन एल माइनस वन भी टी माइनस टू। याद रखिए भाई मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती हैं भी, यस सर नो, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं भी, पता होगा इन बातों का तो कर लोगे। उसके बाद किसका निकाला था, कौन सा पॉइंट था, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम भी, मास का क्या होगा एम वन, वॉल्यूम क्या होता है एल थ्री, कितना आंसर हुआ एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो भी, सही है। उसके बाद कुछ कांस्टेंट का कर लिखते हैं, कांस्टेंट था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी, याद है कि नहीं है भी? जी क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फार्मूला क्या बना था कुछ याद है, फार्मूला भी एफ बराबर है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर, यस सर नो, क्या आप यहाँ से जी निकाल सकते हो, तो कितना आएगा एफ आर स्क्वेयर बाई एम वन एम टू। अगर आपको फार्मूले पता है तो इजीली निकाल पाओगे भी, मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स भाई, एम वन एल वन टी माइनस टू, आर का एल टू डिवाइड बाई मास और मास एम टू भी, सही है भाई। तो मास कितना हुआ भाई एम माइनस वन बना, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू भी। नेक्स्ट है वर्क, देखिए भी वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल वन भी, कितना भी एम वन एल टू टी माइनस टू भी, सही है। एनर्जी का क्या होगा, जो वर्क का है वही एनर्जी का भी होगा भी, यस और नो। नेक्स्ट है यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस भी, जो अपने डायमेंशंस बनाए उनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है अभी, तो तीन पॉइंट मेन है इसके, तीन पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम भी, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बात नहीं, एक सिस्टम को यूनिट के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो। अगर आपको सिस्टम दे रखा है एसआई का, बदलना हो सीजीएस में या किसी और के अंदर करना हो, तो कैसे करोगे उसके लिए भी। देखिए मेजरमेंट का एक तरीका था भाई, क्यू इज इक्वल टू, हमने लिखा था एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये था कि किसके लिए, अगर आप एक चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में माप रहे हो भी, तो उसकी एन की वैल्यू अलग होगी एन टू की वैल्यू अलग होगी। मैंने लेंथ थी, लेंथ 3 मीटर थी, यहाँ थी 300 सेंटीमीटर थी, फिर 3000 मिलीमीटर थी भी, याद है उन टॉपिक किया था किस तरह का, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस भी। एक चीज़ याद रखिए, जो कुछ भी माप लो भी, ये रहेगी वही चीज़ भी, लेंथ ले तो लेंथ ही रहेगी, मास है तो मास ही रहेगा ये, चाहे मास को मापो किलोग्राम में चाहे ग्राम में चाहे क्विंटल में भी, मास का फॉर्मूला क्या बनेगा एम वन भी, सही है भाई। डायमेंशन क्या बनेगा एम वन, यानी डायमेंशन तो बिल्कुल सेम होने वाले हैं भाई। दो यूनिट यूज की जा रही है क्लास, यू वन और यू टू। मान लेता हूँ कि यू वन क्या है, यूनिट अभी कोई भी, इसके डायमेंशन क्या है भाई, यू वन इज फर्स्ट यूनिट भी, यू वन क्या है फर्स्ट यूनिट, जैसा ही हो चाहे चीज़ कुछ भी हो सकता है वैल्यू दिए। इसके डायमेंशंस क्या होगा भाई, एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी, ठीक है। यू टू क्या है, सेकेंड यूनिट है भैया, कुछ भी सिस्टम हो सकता है ये, इसका एम वन एम टू बनेगा भाई, लेकिन पावर तो वही रहेंगे भी, अगर ये लेंथ है तो लेंथ ही रहेगी ये, ठीक है। एल टू की बी, टी टू की सी, इसको रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर भी, ठीक है। फर्स्ट क्या बनेगी, देखिए एन वन
नंबर है भाई। यू वन कितना है? एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी इज इक्वल टू एन टू, एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी, टी टू की पावर ए सी। ओके भाई, अगर आपको एन वन पता नहीं है कितना वैल्यू है या एन टू पता नहीं है कितना वैल्यू, तो निकाल सकते हो भाई। व्हाट द वैल्यू ऑफ एन टू क्लास? मैंने एन वन निकाला, एन टू निकाला हुआ है। एन टू, एन टू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से भाई? अगर एन टू देखा जाए यहाँ से कितना होगा भाई बताओ? एन टू बराबर है एन वन, ये रहा, डिवाइड बाई यू वन बाई यू टू, यू वन बाई यू टू। एन टू बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वन भाई? एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी डिवाइड बाई एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी, टी टू की पावर ए सी। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, एन टू बराबर है एन वन एम वन बाई एम टू की पावर ए पूरी पावर भाई। तुम्हें दिख रहा है भाई? तुम बोर क्यों रहे फिर? कितनी आएगी बताओ? एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन बाई एम टू की पावर ए पूरा ले सकता हूँ, एल वन बाई एल टू की पावर बी और टी वन बाई टी टू की पावर ए सी। इस तरीके से आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो अभी, हो जाएगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि फोर्स का ले लेते हैं एग्जांपल, वही एग्जांपल अच्छा रहता है। रब कर दें इसको। देखिए भाई, आपको कन्वर्ट करना है वन न्यूटन्स को इनटू डाइन के अंदर। फोर्स क्या होता है भाई? डायमेंशंस फार्मूला ऑफ फोर्स भी, दोनों यूनिट किसकी हैं? फोर्स की हैं भाई। ये इसकी एस आई यूनिट है, ये इसकी सी जी यूनिट है भाई, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम वन एल वन टी माइनस टू, यस और नो? तो आपको कन्वर्ट करना है वन न्यूटन्स को, वन न्यूटन्स को पता नहीं कितनी डायन के अंदर भी, तब के वैल्यू निकालनी है। याद है ये एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू है, ये क्या निकालना है आपको? एन टू निकालना है। फार्मूला क्या है एन टू का बताओ मेरे को? एन वन इन टू एम वन बाई एम टू पावर कितना है? ए। एल वन बाई एल टू पावर कितना है? बी। टी वन बाई टी टू पावर कितना है? सी। इसके हिसाब से आपकी एन वन का वैल्यू कितना आएगा अभी? वन लिखा हुआ, वन न्यूटन्स भी कर लोगे। जो यूनिट हैं ये फोर्स की, दोनों ही डायमेंशंस क्या होंगे? दोनों के सेम होंगे भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए भी? ए ये दिखा रहा है इसको, वन। बी सी माइनस टू भी सही है। चेंज करो भी इसको, एन टू बराबर अभी एन वन कितना है? वन सही है भाई। एम वन जो वन वाले हैं सारे मैं मान रहा हूँ एस आई वालों को, और नीचे वालों को मान रहा हूँ सी जी वालों को। मास एस आई में किस मापते हैं भाई? तो यहाँ पे आ गया वन किलोग्राम भी, और सी जी में ग्राम के अंदर। पावर कितना है? ए वन भी। लेंथ को ऊपर वाला मीटर में मापेगा, नीचे वाला सेंटीमीटर में। पावर कितना है? वन। टाइम को ऊपर वाला भी सेकेंड में, नीचे वाला भी सेकेंड में। पावर कितना है? माइनस टू भी। ओके, इनको एक में करो कन्वर्ट भाई, किलोग्राम के ग्राम बनाइएगा भाई। तो एन टू बराबर ले सकता हूँ 1000 ग्राम भी बाई 1 ग्राम। पावर कितना है? 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। पावर कितना है? 1। ये तो 1 हो ही गया। पावर कितना है? माइनस टू भी। कट के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दूँ, किलो ग्राम से ग्राम काट दें, तो एन टू की वैल्यू कितनी बनी भी? 3 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे भी। 10 की पावर 5 कितने बनी है? 10 की पावर 5। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन न्यूटन्स भी? वन न्यूटन इज इक्वल टू किसके भी? 10 की पावर 5 डाइन भी। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर भी, हो जाएगा भी। इस टू चेक करेक्टनेस, सी डबल आर हो गया,
करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला भी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, जो फार्मूला आप पढ़ रहे हो सही है कि गलत है उसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डायमेंशंस इक्वेशंस यूज़ करते हैं अभी। क्या तरीका है अभी, कोई भी फार्मूला जो होता है अभी उसकी दो साइड होती हैं अभी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी, यस और नो। आप क्या करो, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिख दीजिएगा और चेक करो क्या डायमेंशंस बराबर हैं अभी। अगर डायमेंशंस बराबर होंगे तो डायमेंशन आपका फार्मूला बिल्कुल सही होगा अभी, अगर बराबर नहीं है तो फार्मूला गलत अभी आपका भी, यस और नो। तो कोई भी एग्जांपल करते हैं इसका, देखिए एग्जांपल है सिंपल भी, हम यूज़ कर लेते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर भी, यस और नो, हाफ एम ए वी स्क्वायर। हमें चेक करना है कि फार्मूला सही लिखा हुआ है, ये एनर्जी है अभी, और इट डायमेंशन ऑफ एनर्जी भाई क्लास, एम वन एल टू टी माइनस टू वर्ग के होते हैं, इज इक्वल टू भी वन बाई टू इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट भी, इन्हें सही बोल रहा था, एक पॉइंट बचा हुआ है, ये सही बोल रहा था कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, लोग हाँ हैं बाकी सो रहे हैं क्लास वाले, एक ही जागता रहता हूँ क्लास में, है ना भाई, हैं करवाया नहीं मैंने, आगे करवा रखा बातें नहीं, वन बाई टू हो गया भाई, वन बाई टू का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का कितना होगा वे, एम वन, वेलोसिटी का एल वन टी माइनस वन का स्क्वायर अभी, सही है, तो क्या होगा आंसर, एम वन एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू एम वन एल टू टी माइनस टू, क्या दोनों तरफ फार्मूला सेम हो रहे हैं, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है अभी, यस और नो। इसी का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कौन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ, ये निकाले थे क्या, एम जी एस भी, ये होती है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, ये भी एनर्जी है भाई, फार्मूला क्या बनेगा इसका, एल टू टी माइनस टू, मास का क्या होगा, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन भाई, फार्मूला क्या बनेगा, एल वन टी माइनस टू, एच का एल वन भी, सही है कि नहीं है अभी, तो क्या बनने वाला है, एम वन एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू एम वन एल टू टी माइनस टू, दोनों तरफ के सेम है तो आंसर सेम है अभी, बिल्कुल। टू ड्राइव द फार्मूला भी, ड्राइव द फार्मूला, फार्मूला ड्राइव करना आपको अभी, फार्मूला चेक तो कर रही है, क्या फार्मूला बना भी सकते हैं इससे भी, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत से फार्मूले इससे बनाए जाते हैं हमारे भी। टू ड्राइव द फार्मूला, क्या तरीका हो सकता है अभी, जिसका भी फार्मूला बनाना है आपको वो चेक कर लीजिए, वो चीज़ किन बातों पे डिपेंड करती है अभी, किसी का भी जिसका भी बनाना है आपको वो चेक करो कि वो किन बातों पे डिपेंड करती है, ओके, वो चीज़ें लिख दी सारी हम लोगों ने, आप सभी के कैरेक्टर दो डायमेंशन लिख दीजिएगा, फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ के पावर को कंपेयर करो, किसकी पावर को, एम एल टी की पावर को, और जो पांचर है वो निकाल लो भाई, हो जाएगा भाई। तो क्या करना है इसको, फर्स्ट में जिसका भी ड्राइव करना है, राइट द फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड भी, राइट इट्स डायमेंशंस ऑन बोथ साइड भी एंड कंपेयर द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड भी, हो जाएगा आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो हमने बुक में लिखवा रखा आपको, एक क्वेश्चन ये है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच मे बी डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी। आपको पेंडुलम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है अभी, तो जो फार्मूला ड्राइव करोगे वो किसके लिए होगा, टाइम पीरियड के लिए होगा अभी। तो टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करेगा, पहला पॉइंट भी, मास ऑफ द बॉब लिखा हुआ है इन्होंने, उसके बाद लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी। अब क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं है कितनी पावर पर डिपेंड करता है, तो पावर को ए बी सी ले लूँ भी, इस साइन को डालने के लिए क्या डालते हैं, कॉन्स्टेंट के डाल लिया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर ए सी, इक्वेशन फर्स्ट बन गई मेरी भी, हो जाएगा भी। फिर आपको राइट कीजिएगा दोनों तरफ के डायमेंशंस को भी, टाइम का डायमेंशंस क्या होता है, टाइम का टी होगा भाई,
मासेज में कहीं पे एल है? नहीं है। केज डायमेंशनलेस होता है। अभी मास का क्या होगा? एम वन। पावर कितना इसका? ए। लेंथ का कितना होगा? एल वन। पावर कितना है? व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए का कितना होगा एक्सेलरेशन का? एल वन टी माइनस टू। कर लोगे? ये हो गया भाई। आप क्या करोगे? कंपेयर कीजिए एम एल टी ऑन बोथ साइड भी। कंपेयर एम एल टी ऑन बोथ साइड। ये मत करो, कंपेयर द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड भी। व्हाट इज द पावर ऑफ एम? यहाँ पे कितनी पावर एम की भी? जीरो। इज इक्वल टू पावर कितना है एम का भी? वन इंटू ए। ए कहीं है आगे, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो भी। एल को करो कंपेयर, जीरो। यहाँ पे एल कितना है अभी? बी है, गुणा में एक और एल आया हुआ है, सी पावर। तो क्या होगा? बी प्लस सी। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं अभी। टाइम का कितना है यहाँ पे? वन। बाकी टाइम कहाँ पे है? माइनस टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन बाई टू। ओके, यहाँ पर रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी होगी? वन बाई टू। भी कर पाओगे? सभी को रख दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी। फर्स्ट क्या थी? टी इज इक्वल टू एम, सॉरी एम नहीं है, के। एम की पावर जीरो, एल की पावर वन बाई टू बी है ना, टी की पावर सॉरी जी की पावर माइनस वन बाई टू भी। किसी की पावर जीरो कितना होता है अभी? वन होता है। किसी की पावर जीरो क्या होता है? वन। तो कितना आंसर आएगा बताओ मेरे को भी? टी बराबर है के, एम तो ये जो पूरा वन हो गया अभी। एल की पावर वन बाई टू अंडर रूट के लिए होता है अभी, और नहीं देखता हमको। जी की पावर वन बाई टू नीचे आगे प्लस की होगी भाई। इसको लिख सकते हैं ऐसे, के अंडर द रूट एल बाई जी। के का वैल्यू निकाला गया भाई एक्सपेरिमेंट, कितना वैल्यू था? टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भाई। कर लोगे? इट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस भाई। एनी प्रॉब्लम भाई? नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला भी। जब लोगों ने जो डायमेंशंस पढ़े हुए हैं, मास के, लेंथ के, टाइम के, जितने भी ऐसा यूनिट हैं, उनका लिमिटेशंस क्या लगा भी? पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि जो डायमेंशंस हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं मास, लेंथ और टाइम के ऊपर भी। हमने जब तक यूज किए हैं उसमें किस पर डिपेंड कर रहे हैं? सिर्फ मास, लेंथ और टाइम। जबकि और भी यूनिट हमारे पास भी साथ हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं भी, उनके यूज क्यों नहीं कर रहे हम लोग भी? जितने ज़्यादा डायमेंशंस यूज करोगे उतने ज़्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेंगी आपको, इक्वेशन करना मुश्किल हो जाएगा भी। यस सर ना? तो तीन तक ही लेकर चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम। इसका लिमिटेशंस है, डायमेंशंस आर यूज अप टू मास, लेंथ एंड टाइम। इतना यूज कर रहे हैं हम लोग उसको। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? डायमेंशन फार्मूला कभी भी कांस्टेंट के बारे में नहीं बता रहा कि कांस्टेंट कौन है भाई। हमने ड्राइव किए फार्मूले, हमने टाइम पीरियड फार्मूला ड्राइव किया, लिखा था कांस्टेंट के इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी ये कांस्टेंट है भाई, इसका वैल्यू कितना है ये बताएगा नहीं आपको। सेकंड पॉइंट था, इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट भी। यस सर ना? थर्ड पॉइंट भी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप ड्राइव कर रहे हो भाई उसके वेक्टर एक स्केलर है, बताएगा नहीं आपको भी। ओके, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर भी। कर पाओगे भाई? दूसरी बात है, अगर किसी फार्मूले के अंदर, फार्मूले में वी स्क्वेयर प्लस या वी माइनस जो भी था ना ए टी, ऐसा कोई फार्मूला बना दिया मैंने भी, है फार्मूला हमारे पास ये, इसको ड्राइव करना पड़ता है मेरे को, नहीं हो पाएगा भाई। क्यों? इसमें जो साइन आया हुआ है ये किसका साइन है भाई? इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर भी। मैथमेटिकल ऑपरेटर किसके कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई। यस सर नो? देखे होंगे ना नो? क्या बोलते हम लोग? मैथमेटिकल ऑपरेटर भी। डायमेंशंस फार्मूला डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेटर भी। इनको ड्राइव नहीं कर सकता ये प्लस माइनस साइन को भी। कर लोगे? ये फार्मूला ड्राइव नहीं हो सकता भी, क्यों? इसमें क्या आया हुआ है? माइनस आई भी हो जाएगा। अगर किसी फार्मूले के अंदर एंगल्स हों भाई,
साइन थीटा कॉस थीटा लॉगरिथम भाई, यस और नो? इनको बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस भाई। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि कहाँ से आएंगे भी है। इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ए मैथमेटिकल फंक्शंस भी। साइन कोस एक्सपोनेंशियल टर्म ई की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। जो डायमेंशन जिनके डायमेंशन ही नहीं है भाई, उनको ड्राइव कर ही नहीं सकते हम लोग। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायमेंशनलेस क्वान्टिटीज भी, लाइक एंगल है डायमेंशनलेस है भी। और कोई इसके अलावा इसमें डायमेंशंस नहीं है अभी। हमने कुछ दिन पहले एक फार्मूला किया था, इसके डायमेंशंस नहीं थे। क्या था? म्यू, फ्रिक्शन में आता ना म्यू, फोर्स बटे रिएक्शंस में बोला कि ये डायमेंशनलेस भी, क्योंकि फोर्स भी फोर्स ही है। आर भी क्या है? फोर्स ही है। न्यूटन्स बाय न्यूटन्स करोगे तो डायमेंशनलेस और न्यूटनलेस आएगा। कर पाओगे भाई? कर लोगे ना, तो उसके ड्राइव कैसे होगा पता नहीं चल पाएगा इसका हमको। जिसे कुछ लिमिटेशंस और डायमेंशनल इक्वेशंस भी। एनी प्रॉब्लम भाई? कांस्टेंट किसको बोलते हैं भाई? कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी चेंज ना हो भाई, जो इसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। अब ऑब्जर्वेशन ये आई है कि कांस्टेंट में भी डायमेंशंस हो सकते हैं भाई। लाइक पहले लिख देते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट भाई, डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी। कोई एग्जांपल दो ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस नहीं होते। द क्वांटिटी विच डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस भाई, एग्जांपल है पाई, सुना होगा। एनी वैल्यूज भाई, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट हैव डायमेंशंस भी, ये कौन से हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनके डायमेंशंस होते हैं भी, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने निकाला था जी का फार्मूला भी, जी का था एफ आर स्क्वेयर बाई एम वन एम टू भी। डायमेंशन का था जी का भी क्लास, बताओ डायमेंशन ऑफ जी कुछ याद आ रहा है? फोर्स का क्या होता है? एम वन एल वन टी माइनस टू एल टू और एम टू भाई, क्या बनेगा? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू भी। ये डायमेंशन है किसका? जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट अवेलेबल हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, और भी बहुत से हैं। गैस कांस्टेंट रहा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सुना होगा ना हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वहाँ से आर निकाल सकते हैं आप लोग गैस कांस्टेंट की वैल्यूज को। कई कांस्टेंट ऐसे जिनके डायमेंशन होते हैं अभी। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की भी। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे भी, वो क्या हैं? वेरिएबल्स। ओके, इनमें भी क्यों ऐसे वेरिएबल हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते भी? डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन से होते हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते? एग्जांपल है एंगल भी, एंगल चेंज होता रहता है, डायमेंशंस नहीं है इसके भी। और बताइए डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम भी, डेंसिटी नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी भी, रिलेटिव डेंसिटी। और भाई टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर का होता है, कौन बोल रहा है? म्यू, स्पीड बाय स्पीड, डायमेंशंस नहीं होता भी। कर लोगे? जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए बट डायमेंशंस ना हो, क्या हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल भी। एक और डायमेंशंस वेरिएबल बहुत से हैं, तो स्पीड भी है, मास भी है, सॉरी स्पीड भी है, एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है, एनर्जी भी है, ये सारे कौन से हैं? डायमेंशनल वेरिएबल भी। ये कुछ टॉपिक थे अभी क्लास एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास एक वंडरवाल इक्वेशन है अभी, गैस इक्वेशन है ये, वंडरवाल गैस इक्वेशन। P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी वी, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है अभी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, एयर बी कांस्टेंट है इसमें भी, एयर बी क्या है? कांस्टेंट। आपको निकालना डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो कैसे निकालोगे अभी? तरीका क्या है निकालने का देखिएगा अभी। एक रूल है एडिशन का और सब्ट्रैक्शंस का भी, हम सेम तरह की चीज़ों को ही क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अभी। अगर प्रेशर में ही कुछ जोड़ा गया तो प्रेशर ही होगा वो, सीधी सी बात है अभी। वॉल्यूम में कुछ घटाया गया तो क्या होगा? वो वॉल्यूम ही होगा, यस और नो?
अगर वॉल्यूम में कुछ घटाया गया है तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ही होना चाहिए। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी, बी तो वॉल्यूम लग रहा है मेरे को, कितना आएगा एल थ्री बी, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाया गया, सीधी सी बात ही है, कर लोगे। प्रेशर में प्रेशर जोड़ा गया है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है विकलास, फोर्स बट एरिया होगा, तो कितना होगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, यही होगा क्या, इज इक्वल टू ए का निकालना है बाय, ये प्रेशर ही है बाय वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम है, ये हाँ वॉल्यूम है, इट इज एल थ्री बी, कितना होगा एल थ्री, एल का स्क्वायर अभी थ्री का, सही है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी, यहाँ पर ले आइए ए इज इक्वल टू बी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू एल सिक्स बी, तो कितना आंसर हुआ एम वन एल फाइव टी माइनस टू बी, तो आप किसी का भी निकाल सकते इस तरीके से भी। आपको कोई आपको कोई फार्मूला दिया जाएगा इसमें एडिशन सबट्रैक्शंस है, तो याद रखिएगा हम सेम तरह की चीज़ों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, सेम तरह की चीज़ों को क्या कर सकते हैं सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी हो जाएगा भी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज़ बोलते हैं भी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज़। इसमें एक और दे रखा है, इसमें ये बना रखा है पी इज इक्वल टू, एक फार्मूला है पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए टी, जिसमें पी पावर है भी, एक्स डिस्टेंस है टी टाइम है भी, पी क्या है पावर, एक्स क्या है डिस्टेंस और टी क्या है टाइम, ए और बी क्या है कांस्टेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, भी कैसे करोगे, पी पावर है भी, पावर का क्या होती है पावर डब्ल्यू बाई टी बोलते हैं, वर्क डन बाई टाइम, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, नींद आ रही तेरे को, क्या दिक्कत हो रही है, ये लाड उषा का करिए तो ओटा तरी कौन ओटा है रामनोर नाम लिखा तेरा को बता तुम, ये नाम लिखा ना रामनोर का, चपेट मारूंगा भाई बीत को लगेगा जाके, अब बैम तो मेट के देख लिए पकड़, हम तो बैम काट नहीं हम तो भाई। डब्ल्यू क्या होता है वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा एम वन एल टू टी माइनस टू टाइम के लिए टी वन, तो पावर का फार्मूला क्या बना भाई एम वन एल टू टी माइनस थ्री, ये सर ना इसका तो हो गया अभी बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिस्टेंस है ये, व्हाट द डायमेंशंस ऑफ बी, भी डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, अरे एल टू हो जाएगा भाई, ये एल है एल का स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर ही बनना चाहिए भी, यस सर नो, सेम तरह चीज़ें ऐड हो सकती हैं अभी, बच गया कौन ए का निकालना, अभी पी का कितना है एम वन एल टू टी माइनस थ्री, लेंथ में से लेंथ का स्क्वायर गया तो आंसर किस आना है लेंथ का स्क्वायर ही आएगा एल टू डिवाइड बाई ए का निकालना भाई, टाइम के लिए क्या होगा टी वन भी, सही लिखा है या सर नो, ए का कितना होगा कितना एल टू, एल टू से काट दूं और बताओ एम माइनस वन एल जीरो टी टू, और नेक्स्ट सबमिट हमारी भी एरर ऑफ ए मेजरमेंट, पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं ये वो डिजिट्स होते हैं भाई क्लास, जो किसी भी वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, हम बोलते हैं मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर इज द एक्यूरेसी भी, यस आर नो, तो कौन कौन से डिजिट्स को एक हम क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है भाई, उसके लिए कुछ रूल बना रखे हम लोगों ने भी, रूल्स कौन से हैं बताइएगा अभी, पहला रूल्स क्या है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यस आर ना,
जितने भी नॉन जीरो हैं सभी सिग्निफिकेंट होंगे भी, मतलब 3, 2, 1 कितने हैं अभी? 3 कर लोगे। सेकंड रूल जो था ये है, जितनी भी जीरो हैं जो नॉन जीरो के बीच में आती हैं अभी, वो सारी सिग्निफिकेंट होंगे भी। क्या लिखवा था? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यस और नो? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर ए सिग्निफिकेंट। जिस तरह से 3008 भी लिख दिया मैंने अभी, कितने हैं इसके अंदर भी? जितने भी जीरो हैं सारी सिग्निफिकेंट होंगे अगर नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं तो भी। तो दो तो ये होगी, तीन अंदर होगी इसके भी, कितनी होगी टोटल मिला के? इट हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी। कर लोगे? हम बात करते हैं डेसिमल पॉइंट्स की भी। डेसिमल पॉइंट को क्या बोलते हैं? लेस देन वन वाले भी, लेस देन है वन। अगर डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं तो या जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट भी। राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो आर नॉट ए सिग्निफिकेंट, मतलब 0.007 कर दिया मैंने अभी। ये जीरो जो हैं ये इसके किस में है? राइट साइड में है अभी। और इस नॉन जीरो किस में है? ये लेफ्ट साइड में है, तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे भी। तो कितने वैल्यू है यहाँ पे? सिर्फ एक नॉन जीरो आ रहा है, इट इज़ वन भी। यस और नो? यस और नो? जीरो जे राइट टू द डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट्स भी। इसका फोर्थ रूल ये है भाई, इसी का पॉइंट बनता है, जीरो जे राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड राइट टू द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट भी। क्या बोला गया है? जीरोज राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड राइट टू द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट भी। अब ये जीरो की बात करो, देखो इन जीरो की बात करते हैं, ये क्या है? राइट टू द डेसिमल पॉइंट बट दे आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो भी। इन जीरो की बात करते हैं, दे आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड राइट टू द नॉन जीरो, तो कितने हैं भाई? कौन कौन सी हैं? 7, 0, 0 कितनी हो गई? 3 भी हो जाएगा। यस और नो? अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है अभी तो जीरो फॉलोड बाय नॉन जीरो भी, जीरो फॉलोड बाय नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट्स भी, मतलब 5, 6, 0, 0 में कितने हैं? 2 ही हैं, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे भी। ओके, जो जीरो किसके पीछे आ रही हैं? नॉन जीरो के पीछे आ रही हैं, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ये सर नो कर पाओगे? छठा रूल क्या था? पावर ऑफ टेन इज नॉट सिग्निफिकेंट भी। पावर ऑफ टेन इज नॉट ए सिग्निफिकेंट, समझ में आया? 10 की पावर कहीं पर भी इंक्लूड की गई हो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा भी। हो जाएगा भी। अब एक और रूल है भाई जो मेन है, सभी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट होंगे भी। मेजरमेंट की गई है अगर आपको तो उसमें हर पॉइंट क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, मतलब मेजरमेंट पे कोई रूल नहीं लगता भी, सीधी सी बात ही है। कर लोगे? अगर मैं लिख देता हूँ 0.005 सेंटीमीटर, कितने हैं भाई? ये लिखते ना 0.005 सेंटीमीटर, कितनी मिलेंगी यहाँ पे? 3 हैं भाई।